नमस्कार मित्रों, स्वागत है चरण में सौखी बड़ी घर के साथ आपके सामने मोदी यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले और सबसे बड़ी घर में आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है एक ऐसा बयान जिससे जमकर बीजेपी के नेता की आलोचना हो रही है। बताएंगे आपको, प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही मोए मोए हो चुका है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस का फिर से भाजपा ने किया है उल्लंघन। बताएंगे इस मामले को लेकर जांच की मांग की जा रही है। इसी के साथ में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का ही जोरदार तरीके से मजाक बना दिया है दोस्तों। बताएंगे बीजेपी के 400 पर बोले नीतीश कुमार कुछ ऐसा जिसके बाद जमकर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में हो सकता है आपसे विवाद। बताएंगे क्या है पूरा कारण दोस्तों, एक एक करके चलेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी फटाफट सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि इस बार देश महंगाई और बेरोजगारी के मामले पर देश में परिवर्तन करने को तैयार है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जुड़ लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भाषण दे रहे थे। भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर और राजस्थान का रिश्ता ढूंढकर लेकर आए। इसके बाद लोगों ने जब सर्च किया तो पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी खुलेआम लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए बयान पर कांग्रेस पार्टी राजस्थान इकाई की ओर से वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया कि आज नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थान के बाड़मेर और जम्मू कश्मीर का पुराना रिश्ता है। उन्होंने कहा कि सुप्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव का जन्म कश्मीर के अंदर हुआ था। इसके बाद राजस्थान कांग्रेस ने आगे लिखा कि अरे महामानव, बाबा रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले के उंडू कश्मीर गांव के अंदर हुआ था। मतलब ये कश्मीर राजस्थान के गांव की बात है, ना कि जम्मू और कश्मीर। इसके बाद राजस्थान कांग्रेस ने आगे लिखा कि प्रोपोगेंडा के पापा को इतना भी नहीं पता। यानी दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी 370 धारा हटाने को लेकर जगह जगह जाकर कह रही है कि ये देश भर के लोगों का बड़ा मुद्दा था और राजस्थान और जम्मू कश्मीर के मामले को जोड़कर एक तरीके से प्रूव करने की कोशिश की जा रही थी कि धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को फायदा पहुंचा है और राजस्थान की जनता का उससे सीधा जुड़ाव है। हालांकि दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जो प्रूव करना चाहते थे वो एकदम उल्टा पड़ गया है। अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे बयान दे नहीं रहे बल्कि उनके बौखलाहट के कारण इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं जिससे उन्हीं की उल्टा आलोचना हो रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी राय हो लिखा जरूर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरिद्वार के अंदर इसी केस के अंदर एक प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। मोदी की रैली को लेकर जो बड़ी जानकारी दी जा रही है, बताया जा रहा है एक वीडियो शेयर करते हुए कि मोदी के ऋषिकेश में हुए रैली के दौरान बच्चों का रैली में इस्तेमाल किया गया है। यानी रैली में बड़ी संख्या में बच्चों को बुलाया गया है ताकि भीड़ को दिखाया जा सके। इस तरीके से गुरुकुल के बच्चों को रैली में ले जाना साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस का उल्लंघन है। इस तरीके से वीडियो शेयर करते हुए लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टैग करते हुए कहा कि आप लोग कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ये साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस का उल्लंघन है, बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अगर वाकई निष्पक्ष होना साबित करना है, तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा रैली के नियमों का उल्लंघन किए जाने के मामले को लेकर तत्काल कार्रवाई करनी जरूरी है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसके साथ में नीतीश कुमार ने एक मंच पर लोगों को संबोधित करते हुए अब की बार 400 पार के नारे की जगह अब की बार 4000 पार के नारे लगवा दिए। इसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने जमकर नीतीश कुमार के बयान का मजाक उड़ाया दोस्तों। इसके बाद नीतीश कुमार को भी गलती का एहसास हो गया, तो उन्होंने भी कहा कि मैंने गलत बोल दिया, 4000 बोल दिया, 400 बोलना था। इसके बाद नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर भी बड़ी जानकारी आ रही है। आरजेडी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि नीतीश कुमार को मंच पर बैठाने का रिस्क नहीं लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और इसीलिए नीतीश कुमार से अपनी अलग यात्रा निकलवा रही है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ सीएसडीएस ने एक सर्वे किया है, सर्वे में पता चला है कि 62% लोग भारत के अंदर कहते हैं कि उनके लिए बेरोजगारी एक बड़ा मसला है, नौकरी एक बड़ा मसला है। 71% भारत का कहना है कि महंगाई पहले से बड़ी है। 55% भारत का मानना है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ बीजेपी के लोग दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल के दौरान देश की इकोनॉमी काफी ज्यादा बढ़ी है। इसके बाद दोस्तों, बीजेपी के लोग इस बात को लेकर पीठ थपथपा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में सेंसेक्स में सबसे ज्यादा रिटर्न मिला है, यानी शेयर मार्केट में काफी ज्यादा बूम मिला है। इसके बाद लोगों ने जब डेटा इकट्ठा करना शुरू किया तो पता चला कि पीवी नरसिम्हा राव यानी कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के दौर में 181% का इजाफा हुआ था, जबकि राजीव गांधी के समय में 171% का इजाफा हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब शासन में आए तो उनके शासनकाल के दौरान 158% का इजाफा हुआ था। इंदिरा गांधी के समय में 118% का इजाफा हुआ था। वीपी सिंह के शासनकाल के दौरान 92% का इजाफा हुआ था। नरेंद्र मोदी के समय में मात्र 65% का इजाफा हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान मात्र 30% का इजाफा हुआ है। यानी सेंसेक्स और शेयर मार्केट में सबसे कम ग्रोथ नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल के दौरान हुआ है, जबकि सबसे ज्यादा ग्रोथ पीवी नरसिम्हा राव और राजीव गांधी के समय में हुआ है। यानी कांग्रेस पार्टी शासनकाल में शेयर मार्केट और सेंसेक्स में जिस तरीके का रिटर्न हुआ है, भारतीय जनता पार्टी आगे आने वाले 10 सालों में भी नहीं कर पाएगी। ये बात पूरी तरीके से तय है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में देश की अर्थव्यवस्था काफी आगे बढ़ी है और बीजेपी सरकार में बैकफुट पर चली गई है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। आप लोग की कोई और राय हो तो भी लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि जिसकी शादी में मुख्यमंत्री जी प्रोटोकॉल तोड़कर गए, उसकी ही इतनी हिम्मत होगी कि वो पुलिस वाले को सरेआम मारे, जबकि सब कुछ जनता के सामने बीच बाजार में हुआ, भाजपा ही दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं की।
की गई इस घटना के बारे में पूरे पुलिस विभाग का मनोबल गिरा है और अंदर ही अंदर आक्रोश पनप रहा है। भाजपाइयों द्वारा किए गए अपराध के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार जीरो कार्रवाई करती है। जो सरकार पुलिस का मनोबल तोड़ती है वो कहीं न कहीं अपराधियों के हौसले बुलंद करती है। भाजपा ये नहीं कह सकती कि विपक्ष झूठे आरोप लगा रहा है, क्योंकि ये तो दिन दहाड़े घटी हुई घटना है जिसके सैकड़ों गवाह है। जो सरकार अपनी पुलिस के मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकती वो भला किसान महिला मजदूरों और बेरोजगारों की हिफाजत क्या करेगी। अखिलेश यादव की ओर से यह सवाल उठाया गया है। दोस्तों अजय सिंह नाम का ये व्यक्ति है जिसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की ओर से भी कहा गया कि योगी जी के खासम खास मचा रहे उत्तर प्रदेश में उत्पात। अमरीश सिंह भोला के नेतृत्व में चल रहे बदमाश गुंडे माफिया गैंग के ऊपर योगी जी का सीधा संरक्षण है, और इसके बाद पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है। दोस्तों साथ साथ हेमा मालिनी एक बार फिर से 2019 के चुनाव की तरह खेत में उतर कर धान काटती दिखाई दी है। सोशल मीडिया पर एक बार फिर से उनकी तस्वीरों को लेकर जोरदार लोग निशाना साध रहे हैं। किसानों ने लगभग एक साल तक आंदोलन किया लेकिन एक बार भी हेमा मालिनी किसानों के साथ आकर खड़ी नहीं हुई। लेकिन क्योंकि वो मथुरा से चुनाव लड़ती है और मथुरा जो इलाका है वो ज्यादातर किसानों से जुड़ा हुआ इलाका है, तो इसीलिए खेतों में आकर धान काटने का एक तरीके की फोटो शूट कराकर लोगों को मैसेज भेजने की कोशिश कर रही है। जबकि लोगों को समझ में आ चुका है कि हेमा मालिनी यहाँ पर केवल दिखावा करने के लिए आती है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि हेमा मालिनी का ये केवल फोटो शूट है, उनको किसानों से कोई मतलब नहीं है, तो अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। साथ साथ 2019 के चुनाव में बालाकोट का एयर स्ट्राइक भी एक बड़ा मुद्दा था जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को कुछ हद तक वोट मिले थे, और लोग अब दावा कर रहे हैं कि क्योंकि बालाकोट जैसा कोई बड़ा मामला देश के अंदर नहीं है तो बीजेपी को कम से कम 10% के आसपास वोट शेयर का नुकसान होगा। अगर ऐसा होता है तो भाजपा की सीटें जबरदस्त तरीके से नीचे गिरेगी। साथ साथ बसपा ने 9 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। पूर्वांचल की 9 सीटों पर बसपा ने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। 9 में से 3 प्रत्याशी ब्राह्मण गजब सामाजिक संतुलन साध रही है बहुजन समाज पार्टी, इस तरीके से जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि घोसी के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने राजभर की पार्टी को मैदान में उतारा है, जबकि आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी की ओर से निरहुआ मैदान में उतरे हैं। समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, तो भीम राजभर उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष DSP के मैदान में उतारे गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि वो राजनीतिक तौर पर एक अच्छा चुनाव लड़ेंगे जिससे समाजवादी पार्टी को ही नुकसान होगा। साथ साथ दोस्तों बस्ती सीट पर दयाशंकर मिश्रा को मैदान में उतारा गया है। साथ साथ चंदौली के अंदर सत्येंद्र कुमार मौर्य को मैदान में उतारा गया है। अलग अलग तरीके से लोग इस पूरे मामले पर अपने अपने राय दे रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वीक करने के लिए कैंडिडेट उतारे गए हैं। साथ साथ मोदी सरकार की जो अचीवमेंट है इसे लोगों ने गिनवाते हुए कहा कि 2014 से लेकर 2024 के बीच में क्या क्या बदला है। आटा के दाम पहले 20 रुपए हुआ करते थे 2014 के आसपास, अब 40 रुपए के आसपास हो गए। दाल की कीमत 80 से 210 पहुंच गई। दूध के दाम 30 से 66 रुपए पहुंच गए। तेल के दाम 52 रुपए से 150 तक पहुंच गए। पेट्रोल के दाम 66 से 97 पहुंच गए। डीजल के दाम 52 से 90 पहुंच गए। खाने के गैस की कीमत 410 से 1103 हो गया, जबकि डॉलर की कीमत 58 से 83 पहुंच चुका है। यानी भारत के अंदर लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और भाजपा के लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि उन्होंने बहुत विकास किया है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि महंगाई देश में एक बड़ा मुद्दा है, बीजेपी जितना चाहे इसे इग्नोर करने की कोशिश करे लेकिन वो बिल्कुल नहीं कर पाएगी। जनता के बीच महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे हैं और इससे बीजेपी अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेगा सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। जहां से आता इस वीडियो का लोग तो शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।